गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज है संडे, संडे यानी कि फंडे। आजकल तो दोस्तों देखिए, रोज ही संडे है, लॉकडाउन है, लोग घर पे बैठे हैं। लेकिन जब पहले हम लोग ऑफिस जाया करते थे तो संडे का बहुत वेट किया करते थे कि यार संडे आएगा तो ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। अब तो यार यही याद नहीं रहता कि आज तारीख कौन सी है, कौन सा आज डे है, यही पता नहीं रहता है। तो आज मैंने देखा कि आज संडे है। तो दोस्तों आज नाश्ता मैंने कर लिया है, तो नाश्ते में आज जो है मेरे घर वाले कुछ ज़्यादा मेहरबान हो गए, तो सुबह जो हमने पोहा खाया और उसके बाद हमने ये मैगी खाई। मैगी नहीं, आटा नूडल पतंजलि वाला। तो दोस्तों जब आज जो है नाश्ता ज़्यादा कर लिया था तो मुझे लगा कि क्योंकि आजकल वर्कआउट हो नहीं पा रहा है तो आजकल मैं एक नई चीज़ खा रहा हूँ। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये है हींग से बनी हुई। खाना खाने के बाद जो है ये बहुत जल्दी राहत देती है। और इसका रेट देख लीजिए, 110 रुपये है इसका रेट। ये हम लाए थे इस्कॉन टेम्पल जो कि GK में है वहाँ से, और बहुत टेस्टी है एक्चुअली। तो दोस्तों आज दिल्ली का मौसम देखिए क्या बढ़िया मौसम हो रखा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और मन करता है कि कहीं निकल जाएं घूमने के लिए, कहीं निकल जाएं, कुछ सैर करें, कुछ घूमें फिरें, जिंदा दिल्ली से जिएं। लेकिन इस लॉकडाउन ने जो है ऐसी हालत कर रखी है कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। खैर इसका मज़ा आप घर पर रहकर उठाइए। और इस सुहाने मौसम में मैं शुरू करता हूँ अपनी एक छोटी सी कहानी जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल होगी। तो ये कहानी कुछ इस तरह की है कि एक 26 वर्ष का लड़का अपने पिता के साथ एक ट्रेन में कहीं जा रहा था। वो सफ़र करते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था और खिड़की से बाहर देखते हुए खूब तेज़ से चिल्ला रहा था। हरे हरे पत्तों को, खेतों को, घासों को देखते हुए, जानवरों को देखते हुए बहुत ही तेज़ चिल्ला रहा था और ताली बजा रहा था। ये देखते हुए उनके बगल में बैठा हुआ एक नया शादीशुदा जोड़ा उस पिता से पूछता है और कहता है कि आप अपने बेटे का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं करा लेते हैं। तो उसका पिता बोलता है कि हम डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं, मेरे बेटा जन्म से ही अंधा था, आज ही उसकी आँखों का ऑपरेशन हुआ है और वो आज ही देखने लायक हुआ है, इसलिए वो इन सब चीज़ों को देखता हुआ इतना हंस रहा है, खुश हो रहा है। ये सुनकर उस व्यक्ति की बोलती बंद हो गई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को देखकर अपने मन में पहले से ही कोई कहानी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हमें अगर जानना है तो ये जानना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, उसके बाद हमें निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ काम नहीं है क्या, पूरे दिन यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, गुड नाइट।